ये अगेन सेम है, जैसा कि आपका एक सॉलिड बेसिकली यहां पर अपन ने शो करने की कोशिश की है कि एक हॉलो स्फीयर है, जैसे वो हॉलो कंडक्टर या हॉलो नॉन कंडक्टर की वैसे जिस तरीके से फील्ड लिखते थे, याद करिए फील्ड इनसाइड में जीरो होती थी और आउटसाइड पॉइंट पर KQ बाई R स्क्वायर के फॉर्मेट में रहती थी, जिसको वेक्टोरिकली ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद है तो ग्रेविटेशन के अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, बच्चों चाप अंतर मन में बोल देना चैप्टर अलग है इसलिए माइनस कर सकते, बस और कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।